दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नेचुरल गार्डनिंग में। मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं ये मूंगफली के छिलके हैं, मूंगफली के दाने हम खा लेते हैं और हम इन मूंगफली के छिलकों को बाहर कूड़े में फेंक देते हैं। दोस्तों आज मैं इन्हीं मूंगफली के छिलकों को कोकोपिट के सब्स्टिट्यूट के रूप में मिट्टी में कैसे इस्तेमाल करेंगे की जानकारी दूंगा। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। दोस्तों मूंगफली हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके दानों को हम खाते हैं तो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदे हैं। अब हमें आज यह देखना है कि इसका हमारे पौधों में क्या प्रयोग है, इसका हम प्रयोग किस प्रकार से कोकोपिट बनाकर करते हैं पौधे की मिट्टी में, इसके लिए हमें क्या करना है। हम मूंगफली को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। देखिए जब आप तोड़ते हैं तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसे आपने थोड़ा सा धूप दिखा देना है। देखिए इसको ऐसे ऐसे करके हाथ से तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। इसे हम खल में भी तोड़ सकते हैं, मिक्सी में भी पीस सकते हैं, जो आपको सुटेबल रहे आप ऐसा करके और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने तोड़ लेना है। बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं और अगर थोड़ा छोटा है, छोटा छोटा टुकड़ा है, तब भी कोई बुराई नहीं है। देखिए इसे आप कोकोपिट के रूप में मिट्टी में जब मिलाएंगे तो बहुत फायदे हैं, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। देखिए दोस्तों मैंने इतना निकाल लिया, अब इसे हम कटोरी में भर लेंगे। अब मैं आपको इसके फायदे बताता हूं। इसमें वे सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। एक भाग मैंने गार्डन सॉइल लिया हुआ है, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, धूप में सूखी हुई होना चाहिए। एक भाग मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट लिया हुआ है, इसकी जगह पर आप गोबर की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है एक ले लीजिए। और एक भाग मैंने सैंड लिया हुआ है देखिए, और 1 टीस्पून हल्दी टर्मरिक लिया है। हल्दी इसलिए लिया जाता है कि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। और एक भाग से थोड़ा कम मैंने देखिए ये मूंगफली के छिलके जो आपके सामने अभी मैंने छोटे छोटे पीसेस में किए थे, मैंने इसको लिया है। दोस्तों हम मूंगफली के छिलके को कोकोपिट के सब्स्टिट्यूट में क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके फायदे जानकर आप अचंभित हो जाएंगे। यह लाइट वेट होता है, इसके अंदर रूट आराम से बढ़ती है, रूट बाउंड नहीं होती है। दूसरा इसमें सीडलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होती है और यह मॉइस्चर नमी को लंबे समय तक होल्ड रखता है। जड़ के पास की मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, 100% जर्मिनेशन इसमें संभव है और यह इको फ्रेंडली है। अब इनको हम सबको एक में मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसको पॉट में भरेंगे। देखिए अब मैं एक पॉट ले रहा हूँ, अब इसमें मिक्स मिट्टी को भर देंगे। तो अब मैं इसमें पत्थर चट्टा के पौधे लगा दे रहा हूँ, या कोई भी पौधा आप इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए इसको हम लगा देंगे। दोस्तों देखिएगा कुछ ही दिनों में कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। हाँ थोड़ा सर्दी का सीजन है अभी, थोड़ा इस पौधे को आपने जब कोहरा पड़ता है, ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो आपने ग्रीन नेट के नीचे रखना है, उसके बाद धूप में निकाल देना है और थोड़ा इसमें पानी दे देंगे। कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे दोस्तों पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी।
दोस्तों, अभी आपने देखा मूंगफली के छिलके को कोकोपिट के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।